ओम शांति। मुरली का तारीख है 31/1/2020। मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रदान बन जाती है। इसीलिए एक बाप की याद में रहो, योग में रहो। प्रश्न, पुण्यात्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर, पैसा दान किसे देना है इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पापात्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है, यहाँ तो तुम्हें पुण्यात्मा बनना है। गीत, ना वहाँ हमसे जुदा होंगे, ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग, योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं, यहाँ सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तमो प्रदान से सतो प्रदान बनते हैं। सतो प्रदान का अर्थ ही है पुण्यात्मा और तमो प्रदान का अर्थ ही है पापात्मा। कहाँ भी जाता है यहाँ पुण्य आत्मा है, यहाँ बहुत पुण्यात्मा है, यहाँ पापात्मा है। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही सतो प्रदान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रदान बनती है। इसीलिए इनको पापात्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसीलिए याद करते हैं कि आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया या किसी को भी पता नहीं। तुम जानते जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं इसीलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती है। अभी है दुख धाम। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बिगर बाप से वर्षा मिल ना सके। अब यहाँ है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्युलोक का यह अंतिम यज्ञ है। मृत्युलोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। भक्तों की बुद्धि में यहाँ बातें बैठ ना सके। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापिस चले जाते, परंतु ड्रामा अनुसार वापिस कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया है पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पार्ट बचाए वापस कैसे जा सकते। इनको तो फिर तमो प्रदान में आना ही है, पार्ट बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझते हो गॉडफादर है मुख्य, पीछे फिर जगत अम्बा, जगत पिता, जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पार्ट जरूर ऊंचा है तो उनकी पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप जो सबसे ऊंचा है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तू, कहेगा ना
इतना ऊंच पद प्राप्त कराता हूं तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कामकाज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नालिश तो बड़ी सहज है, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राज्यदानी है, तो बाप उस राज्यदानी का भी लायक बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य दो सब्जेक्ट है, अल्फ और बे। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम यव्वर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो, घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यहाँ बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रदान है, सुखदाम में सुख शांति संपत्ति सब मिलता है, वहां एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है, स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। यह है तमो प्रदान दुनिया, सत्युग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है, महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अभी यह दुनिया बदलनी है, बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु यहाँ पुरुषोत्तम संगम का किसी को पता नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही है, हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना, अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर इसमें ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा, समझा जाता है। या कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर या प्रजा में ही आएंगे, या साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। नंबर वार तो होते हैं ना, पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा जट बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा, शिव बाबा को याद करेंगे। और जैसे छोटे बच्चों को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है, तो उसका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसाल है, विकारों का पता नहीं, जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा, क्रोध होगा मोह होगा। अभी तुमको तो समझाया जाता है इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती है या तो सब कब्र दाखिल होने हैं, तमो प्रदान चीजें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें करनी गौर को देते हैं। बाप तो फिर बेहद का करनी गौर है, धोबी भी है। तुमसे लेते क्या है और देते क्या है, तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वहां तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं या धन रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब
बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे तुम्हारा या ककपन जो है यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमारी के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए, या तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी है। इनके लिए तो सिर्फ तीन पैर पृथ्वी के चाहिए, बस जिनके पास और कुछ नहीं है वहां सिर्फ तीन पैर जमीन के दे देवे, उसमें क्लास लगा दे। तीन पैर पृथ्वी के वहां तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना, आसन तीन पैर का नहीं होता है। तीन पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ कर जाएगा, कोई आया आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। बैडजेस भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए, यहाँ है बहुत सिंपल, चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है, इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेगी तो मनुष्यों को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाए। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है। देह अभिमान में ना आओ, हाँ बाहर का प्यार बल बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे, बाप का गर्भ भी ऊपर है ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। अब फिर वापिस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफिरी पूरी हुई है, तुम अब मुसाफिरी से लौट रहे हो, तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। वहां है बेहद का घर, वापिस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता ही बताते हैं, सुख धाम को तो जानते ही नहीं। सुख धाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वहां फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे। हम आत्मा बिंदी है, हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना, अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे। जब पूजा करते हैं तो शालिग्राम बनाए, एक एक आत्मा को पूजते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो, इसीलिए बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं, या बातें अभी तुम जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े, बिंदी से कैसे समझाए। यूं बनाना चाहिए स्टार, जैसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं। तैयार मिलते हैं सफेद, आत्मा भी सफेद होती है ना, स्टार मिसाल। यहाँ भी एक निशानी है, ब्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसी को भी पता नहीं। यहाँ बाप समझाते हैं, इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बम्स आदि बनाते रहते हैं, वंडर है आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है। यहाँ बड़ी गुह्य बातें, इतनी छोटी आत्मा शरीर से
कितना काम करते हैं, आत्मा अविनाशी है, उनका पार्ट कभी विनाश नहीं होता है, ना एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा जाड़ है, सत्युग में कितना छोटा जाड़ होता है, पुराना तो होता नहीं। मीठे छोटे जाड़ का कलम अभी लग रहा है, तुम पतित बने थे अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है, कुदरत यहाँ है, अविनाशी पार्ट चलता रहता है, वहां कभी बंद नहीं होता, अविनाशी चीज है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, यहाँ वंडर है ना। बाप समझाते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसमें है मेहनत, जास्ती पार्ट तुम्हारा है, बाबा का इतना पार्ट नहीं जितना तुम्हारा। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ, हमारा कोई पार्ट नहीं, इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना, या नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते है। बाप की याद में रहने बिगर धारणा भी नहीं होगी, कान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है, इसमें प्यूरिटी बड़ी अच्छी चाहिए, बाप को याद करना बड़ा सहज है, बाप को याद करना बहुत सहज है, बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। इसीलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास भी चित्र रख दो, योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युग निवासी, तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्यों को यह बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं, कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है, यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है, बुद्धि में रहे हम शुबाबा के भंडारे से काते हैं। शुबाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे, फिर यहाँ पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं है, वहां तो दाता है। बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो, तुम्हें पैसे का दान किसे करना है, या बात पर पूरा ध्यान देना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते पापात्मा बन जाते हैं। कितना फर्क है पापात्मा, पापात्मा से ही लेन देन कर पापात्मा बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसीलिए पापात्माओं से लेन देन नहीं करना है। बाप कहते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। बाप भी साइक्रिन बनकर आते हैं, पुराना कक्पन लेते हैं, देते देखो कितना ब्याज है, बड़ा बारी ब्याज मिलता है, कितना बोला है, दो मुट्ठी के बदले महल दे देते। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापिस घर जाना है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। सेकेंड पॉइंट, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है उस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा
पवित्र ब्राह्मण बनना है, कामकाज करते बाप की याद में रहना है, वरदान अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी बवा। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कर्म द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवादारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है वह सेवा में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन ही जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। श्लोगन, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क, ब्राह्मणों की भाषा आपस में अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी ना तो स्वीकार करना है ना कराना है। संगठन में विशेष अव्यक्त अनुभवों की आपस में लेन देन करनी है। अच्छा, ओम शांति।